कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम अंडर एंड ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जनाधिक्य विशेषतम और औ जनसंख्या। ये जो हमारा चैप्टर रहेगा बीए सेकंड क्लास के लिए, सेमेस्टर 4 के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन ये है क्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, कहाँ से ये कंसेप्ट आया है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने की कि कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन किसे कहते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज बेसिकली एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ये एक क्या है, इकोनॉमिक कंसेप्ट है, यानी कि ये आर्थिक कंसेप्ट है एक इकोनॉमिक। इट डिनोट बैलेंस पॉपुलेशन रिसोर्स इन एरिया, ये किसी भी एरिया के अंदर एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन को दिखाता है। बैलेंस्ड पॉपुलेशन का मतलब होता है यानी कि जो संसाधन यानी कि रिसोर्स और उसके मुकाबले में जो पॉपुलेशन है, उन दोनों का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन, जहां पर ना तो अधिक जनसंख्या है ना अधिक रिसोर्स है, बट दे बोथ आर बैलेंस्ड। इट हैज टू बी मेजर्स इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट कंसर्न विद अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो कंसेप्ट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि जीवन की जो गुणवत्ता है उससे संबंधित है। क्योंकि हमारे पास जो जनसंख्या का जो वितरण है संसाधनों की तरह, यदि हम बात करते हैं कि धरातल के ऊपर जनसंख्या का और संसाधन का जो वितरण की बात करते हैं, तो वो दोनों ही अनइवन है। अनइवन का मतलब है कि वो कहीं पर अधिक है कहीं पर ज्यादा है। तो उसकी वजह से किसी भी देश में जनसंख्या का कम या अधिक होना अथवा अनुकूल होना पाया जाता है। ये किस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर पाए जाने वाला रिसोर्स कैसा है। यदि हम इन अदर टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करें कि संसाधनों के उपयोग का जो स्तर है वही जो निर्धारित करता है किसका, जीवन की गुणवत्ता को। When the size of population is according to the size of natural resource, यानी कि जनसंख्या का जो आकार है, जनसंख्या का आकार और जो हमारा संसाधनों का जो आकार है, size of natural resource are fully utilized, जब उन दोनों का अच्छी तरह से उपयोग हो जाता है, in case the per capita output will be the maximum, और उससे हमारा प्रति व्यक्ति जो output आता है, जो उत्पादन आता है, वो maximum होना चाहिए। एंड द कंट्री इज सेड टू हैव द आइडिया साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन की जो साइज है वो एक आइडियल, जिसको हम कह सकते हैं एक विशिष्ट, हम जिसको कह सकते हैं ऑप्टिमम, जिसको हम कह सकते हैं अनुकूलतम जनसंख्या, जिसको हम बोल सकते हैं। द टर्म अलाउ द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। हाई स्टैंडर्ड लिविंग का मतलब क्या है कि वहाँ पर हर एक लोगों को उनकी जो बेसिक नीड्स है वो उनको मिलती है। द कंसेप्ट इज कंसर्न्ड विद द हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईच इनहैबिटेंट्स रिसीव द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी वाटर एंड एयर ऑफ द हाई क्वालिटी, जहाँ पर भोजन और ऊर्जा पानी और जो हवा है उसकी जो क्वालिटी है बहुत हाई मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है वो जनसंख्या और रिसोर्स के आपस में जो संबंध है उसके आधार पर है, यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन वही पॉपुलेशन कहलाती है जहां पर जनसंख्या के संदर्भ में रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है या जहां पर होना चाहिए। तो अब ये जो कंसेप्ट है, इसका जो संकल्पना है ऑप्टिमम पॉपुलेशन की, जिसको हम अनुकूलतम जनसंख्या बोलते हैं, ये किन के ऊपर डिपेंड है। यदि हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि जनसंख्या का जो आकार है या जनसंख्या का जो वितरण है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों के वितरण के ऊपर है। जहां पर संसाधन हमें अधिक मात्रा में पाया जाता है वहां पर हो सकता है जनसंख्या ज्यादा हो या ऑप्टिमम हो, लेकिन जहां पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है या रिसोर्स बिल्कुल कम पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या जो कम पाई जाएगी, यानी कि
आप ये कह सकते हैं कि इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में, संसाधनों के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स ऑन द अर्थ आर अनइवन लाइक पॉपुलेशन। लेकिन ये क्या है, अनइवन है। अनइवन का मतलब उनका जो वितरण है वो समान नहीं है। जिस प्रकार से धरातल के ऊपर जनसंख्या का वितरण है समान है, उसी प्रकार से संसाधनों का जो वितरण है वो भी असमान है। द कंसेप्ट ऑफ ओवर अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन हाउ मच प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑन रिसोर्स। ये जो अधिक जनसंख्या, कम जनसंख्या या अनुकूलतम जनसंख्या का जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर यानी कि जो दबाव किसका, जनसंख्या का, किसके ऊपर, रिसोर्स के ऊपर है, यानी कि संसाधनों के ऊपर जो जनसंख्या का दबाव है, इस दबाव के संदर्भ में हम इनको जो ऑप्टिमम और अंडर और ओवर पॉपुलेशन का कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि जनसंख्या का जो ऑप्टिमम जो पॉपुलेशन है, इनका इसका कंसेप्ट कहाँ से आया। आपको बता दूं, लगभग 500 साल पहले चीन में एक महान दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। एक्चुअली में उसका जो मेन नाम था कुंग फू सू था। उन्होंने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि यानी कि इनकी जो ग्रोथ थी उसका विरोध करते हुए, यानी कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही थी चाइना के अंदर, तो उसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि जनसंख्या और पर्यावरण के बीच एक संख्यात्मक संतुलन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बाद में हमारी जो अनुकूलन जनसंख्या होगी वो बनेगी, यानी कि यदि हम उनका एक कंपेरिजन देखें जनसंख्या का और रिसोर्स का, तो वो एक स्टेटिक्स फॉर्म में होना चाहिए, तभी क्या है हम इसके आगे जो हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें इस संकल्पना का जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, तो सिडविक नामक के एक अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत की, सेडविक, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो है सिडविक नाम का जो एक अर्थशास्त्री था, इसने जो इस कंसेप्ट की शुरुआत की। लेकिन बाद में कई वर्षों बाद जो केनन महोदय थे, केनन जो महोदय थे, उन्होंने जो है इस कंसेप्ट को, इस संकल्पना को आसान तरीकों से समझाया। और बाद में रॉबिन्सन और कार जो साउंडर है, इन्होंने भी अपने विचार इसके ऊपर रखे। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में वो जानते हैं। द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन अपीयर्ड एज ए रिएक्शन ऑफ द माल्थेशियन थ्योरी। यानी कि माल्थस नाम का एक जो आदमी था, व्यक्ति था, उन्होंने क्या दिया था, एक जनसंख्या के ऊपर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत के रिएक्शन के उपरांत ही जो है इस कंसेप्ट का जो ओरिजिन हुआ था। क्रिटिसाइज द अप्रोचिंग द माल्थेशियन थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडविन कैनन, यानी कि एडविन कैनन और कार्ल जो कार साउंडर्स ऑफ द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैव डेवलप्ड ए न्यू थ्योरी नॉन एज ऑप्टिमम थ्योरीज ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि जो माल्थस की जो थ्योरी थी उसके रिएक्शन में एडविन केनन और कार साउंडर्स ने, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थे, उन्होंने जो एक नया कंसेप्ट, एक नई थ्योरी बनाई जिसको हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन के नाम से या थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में ये जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है, एक्चुअली में है क्या, यदि हम बात करें इस पे थोड़ा, तो अनुकूलतम एक रिलेटिव जो है वर्ड्स है, यदि हम बात करें रिलेटिव वर्ड्स के, जिसका जो निर्धारण होता है वो जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में होना चाहिए। और किसी भी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसमें जीवन की उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त होनी है, कि हाई क्वालिटी या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसमें प्राप्त होती है, जिनको मिलती है। और जीवन की क्वालिटी का यानी कि लाइफ की जो क्वालिटी की यदि हम बात करें, तो प्रत्येक व्यक्ति को वहां पर प्रॉपर उनको फूड मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, प्योर इन्वायरमेंट उनको मिलना चाहिए, ठीक है, और रॉ मटेरियल उनको मिलना चाहिए, और उनकी हर एक जो बेसिक नीड्स है वो उनको प्राप्त होनी चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं कि वहां पर जो है जीवन की उच्च गुणवत्ता या उच्च क्वालिटी वहां पर उपलब्ध है, और उसी के आधार पर वहां पर जनसंख्या जो अनुकूलतम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडर्न थियोरी ऑफ द पॉपुलेशन। इसको जो है मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक जो जनसंख्या की थ्योरी भी कहा जाता है। इन रिसेंट ईयर प्रोफेसर रॉबिन्सन, डाल्टन एंड कार्ल साउंडर्स हैव रिफाइंड
एंड पॉलिश द थ्योरी एंड पुट इट इन ए मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म। उन्होंने क्या किया, जो मालथीसन की थ्योरी थी उसको एक नए तरीके से उसके रिएक्शन में जो ऑप्टिमम जो पॉपुलेशन की थ्योरी है उन्होंने इसको क्या रिफाइंड किया है और उसको पॉलिश करके एक नए तरीके से प्रस्तुत किया ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। दिस थ्योरी इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द मालथीजियन थ्योरी। मालथस ने जो थ्योरी दी थी पॉपुलेशन के उसका एक इम्प्रूवमेंट वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कंसेप्ट है वो मालथस की थ्योरी के अपोजिट यानी कि एक रिएक्शन में जो है इसका ओरिजिन हुआ था और उससे कहीं बेटर हमें इसको समझने में आसानी रहेगी। कुछ डेफिनेशन देखते हैं इसके बारे में। डेफिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यदि हम बात करें ऑप्टिमम पॉपुलेशन की तो कार साउंडर्स ने इसको कंसिडर किया था ऑप्टिमम पॉपुलेशन एज दैट विच प्रोड्यूस मैक्सिमम वेलफेयर, यानी कि जिसे अधिक से अधिक कल्याण की भावना या कल्याण जिसका हो या कल्याण की भावना जिसको हम बोल सकते हैं, मैक्सिमम वेलफेयर हो। वेलफेयर किसका, सोसाइटी का, लोगों का। तो वहीं जहां पर हर एक लोगों का जो वेलफेयर की बात की जाती है वहीं पर क्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कंसेप्ट हम देख सकते हैं। उसके बाद में बाउंडिंग ने भी इसको डिफाइन किया है। बाउंडिंग ने बोला है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट एट विच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मैक्सिमम। यहाँ पर उन्होंने क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड को मैक्सिमम माना है, यानी कि जहां पर जो लिविंग स्टैंडर्ड मैक्सिमम है उसी को उन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन माना है। किसी ने इसको सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में डिस्कस किया है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अनुकूलतम जनसंख्या है वो एक उपयोगी उपकरण और आकर्षक अवधारणा है जो हम हमें ये व्यवहारिक रूप से मानते लगते हैं कि यह संकल्पना पूरी तरह से भ्रामक साबित हो चुकी है, यानी कि कुछ लोगों ने इसको अपोजिट तरीके से लिया, उसको क्रिटिसाइज भी किया है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो अनुकूलतम जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्राप्त करती है। डाल्टन ने इसको जो मैक्सिमम आउटपुट के रूप में इसको लिया है। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी की यदि स्टेटमेंट की बात करते हैं तो क्या है ये, द फाउंडर ऑफ थ्योरी स्टेटेड गिवन द नेचुरल रिसोर्स स्टॉक ऑफ कैपिटल्स एंड द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। यानी कि इस थ्योरी को जो यदि स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर दिया है कि नेचुरल रिसोर्स, गिवन द नेचुरल रिसोर्स द स्टॉक ऑफ कैपिटल्स एंड द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज देर विल बी डेफिनेट साइज ऑफ पॉपुलेशन। वहां पर एक डेफिनेट साइज ऑफ पॉपुलेशन भी होना चाहिए। विद द पर कैपिटा इनकम इज नॉन एज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यानी कि वहां पर जो पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होना चाहिए, डेफिनेट उनका साइज पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहां पर कैपिटल का स्टॉक भी होना चाहिए, रिसोर्स भी होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं उसको हम स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी के अंदर इसके कथन के रूप में लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ क्राइटेरिया फॉर द असेसिंग ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यदि हम किसी भी जगह पर किसी भी स्थान के, हालांकि जो ये जो अनुकूलतम जनसंख्या का जो कंसेप्ट है वो समय और स्थान के संदर्भ में है, तो किसी भी स्थान पर जो है अनुकूलतम जनसंख्या हो सकती है, किसी पर ओवर पॉपुलेशन हो सकती है, लेकिन यदि हम उनके क्राइटेरिया की बात करें कि वो कौन से क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम क्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन को एसेस कर सकें या उनके बारे में जान सके, तो सबसे पहला यहाँ पर जो दिया गया है वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी कि जो प्रति व्यक्ति जो आय है या उनका जो प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन है उसको हम क्या है इस ऑप्टिमम पॉपुलेशन के या अनुकूलतम जो जनसंख्या इसका एक एसेसिंग का या एक क्राइटेरिया के रूप में इसको हम दे सकते हैं। उसके बाद है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वहां पर जो लोग रहते हैं सारे के सारे वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार मिला होना चाहिए, उनकी जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या है वहां पर हाई होनी चाहिए। डिपेंडेंसी रेशो, यहाँ पर यदि हम डिपेंडेंसी रेशो की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कम होने चाहिए क्योंकि दे आर सेल्फ सफिशियंट, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और हर एक जगह पर उनको वो रिसोर्स, वो रॉ मटेरियल मिलते हैं जिनसे क्या है वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्योर वाटर एंड एयर, उनको प्योर वाटर और एयर भी मिलनी चाहिए। द हाइएस्ट एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो जीवन का जो जीने का जो ढंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाईएस्ट उच्चतम होना चाहिए। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फूड एंड एनर्जी, यदि हम फूड और एनर्जी की कंजम्पशन की बात करें तो वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए। पर
प्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड, यानी कि वो फूड के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर जो है करें, प्रोडक्शन करें। द बैलेंस्ड पॉपुलेशन रिसोर्स रेशो, यानी कि पॉपुलेशन जनसंख्या और संसाधनों का आपस में उनका जो अनुपात है वो बैलेंस होना चाहिए। एंड बैलेंस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, यानी कि वहां की जो जनसंख्या है संरचना है उनका जो, यानी कि लिंग अनुपात की बात करें, सेक्स रेशो की बात करें, यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटीज की बात करें, तो इन सब का जो रेशो है वो बैलेंस होना चाहिए। यदि ये सारी बातें कहीं हमें मिलती हैं तो हम मान सकते हैं कि वहां पर जो है जनसंख्या ऑप्टिमम है, यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कंसेप्ट वहां पर लागू होता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर के द्वारा आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जनसंख्या यानी कि जो ऑप्टिमम और अंडर और ओवर पॉपुलेशन क्या है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या इधर में ऊपर में, और यहाँ पर हम बात करते हैं रिसोर्स की, बात करते हैं यहाँ पर संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बीच में जो लाइन है जो हमें ये दिखाती है ऑप्टिमम पॉपुलेशन को, अनुकूलतम जनसंख्या, इसका मतलब है जहां पर ना तो जनसंख्या अधिक है ना ही रिसोर्स अधिक है, यानी कि दोनों का बैलेंस है। यदि हमें अंडर पॉपुलेशन की बात करें और जनसंख्या की बात करें, तो इसका मतलब वहां पर जो जनसंख्या अधिक है लेकिन वहां पर रिसोर्स कम है, तो इसका मतलब है कि ऐसे मतलब संसाधन जहां पर जो है जनसंख्या, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में जो पॉपुलेशन जो है कम है लेकिन रिसोर्स ज्यादा है, जहां पर जनसंख्या जो है ज्यादा है लेकिन रिसोर्स कम है, तो इस प्रकार का ये जो कंसेप्ट है वो हमें और ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में बताता है। ऑप्टिमम का मतलब सिंपल है कि जनसंख्या और संसाधनों का आपस में जो अनुपात है उनका जो बैलेंस होना चाहिए। यदि वहां पर रिसोर्स ज्यादा है, ठीक है, रिसोर्स ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है, तो इसका मतलब वहां पर ओवर पॉपुलेशन है, क्योंकि उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए उनके पास में वो टेक्निक्स नहीं है या उनके पास में मैन पावर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन की स्थिति वहां पर है। यदि पॉपुलेशन ज्यादा है बट रिसोर्स कम है, तो वहां पर अंडर पॉपुलेशन की सिचुएशन आती है। तो ये डायग्राम के द्वारा नेक्स्ट हम बात करें अजम्पशन, यानी कि जो हमारा ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम जो पॉपुलेशन है उसके अंदर दो अवधारणाएं मानकर, या उन दो अवधारणाओं के आधार पर इनको जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, द प्रपोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि जो कार्यरत जो जनसंख्या है, टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कुल जनसंख्या के अंदर जो कार्यरत जनसंख्या है रिमेन कॉन्स्टेंट एज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज। ये कहता है कि यदि किसी भी देश की जनसंख्या में परिवर्तन भी होता है, यानी कि वो बढ़ती भी है, तो वहां पर जो है वो प्रपोर्शन किसका, यानी कि कार्यरत जनसंख्या और कुल जनसंख्या का जो प्रपोर्शन है वो सेम रहता है। एज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज, यदि किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, द नेचुरल रिसोर्स कैपिटल स्टॉक एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज। लेकिन यहाँ पर ये बताते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से ये चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे रिमेन अनचेंज, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इन दो आधार पर हम इनको और आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है एक डाल्टन महोदय ने, प्रोफेसर डाल्टन ने इसको जो है एक फार्मूला के द्वारा एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो फार्मूला है, एम इज इक्वल ए माइनस ओ डिवाइडेड बाय ओ, ये तो यहाँ पर एम मतलब मेल एडजस्टमेंट फ्रॉम द ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यहाँ पर जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन के अंदर असंतुलन को दिखाया गया है। असंतुलन कब होगा, यह है एक्चुअल पॉपुलेशन, ए मींस एक्चुअल पॉपुलेशन, ओ मींस ऑप्टिमम पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यदि एक्चुअल पॉपुलेशन में से ऑप्टिमम पॉपुलेशन घटाकर यदि हम उसको ओ से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास में जो नंबर्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव या इक्वल आते हैं, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जनसंख्या किस लेवल की है। देखिए, इफ एम इज जीरो, एम यानी कि जो हमारा जो था एम, यदि जीरो है इट मींस पॉपुलेशन इज ऑप्टिमम। यदि वो जीरो है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जनसंख्या हमारी ऑप्टिमम है। व्हेन एम इज पॉजिटिव
पॉजिटिव है तो वहां पर क्या आएगा, ओवर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या अधिक रहेगी। व्हेन एन इज नेगेटिव इट मींस अंडर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कम रहेगी, रिसोर्स ज्यादा रहेंगे। तो देयर फॉर द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज नॉट फिक्स्ड है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑप्टिमम जो पॉपुलेशन है वो फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है, इट कैन बी चेंज है। यदि किसी जनसंख्या में परिवर्तन आता है, रिसोर्स के अंदर परिवर्तन आता है, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो चेंज हो सकती है, इट कैन नॉट बी फिक्स्ड। इट इज रादर वेरिएबल एंड रिलेटेड टू द रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ये वेरिएबल्स है, परिवर्तनशील है, लेकिन ये क्या है, यदि ये किसके सापेक्ष में है, यदि किसके बात करते हैं, रिसोर्स और तकनीकी, यदि रिसोर्स और तकनीकी के अंदर चेंजेस आता है तो इसके अंदर मैक्सिमम या एब्सोल्युटली यहाँ पर हमारी जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है उसके अंदर परिवर्तन आएगा। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज नेवर ए स्टेटिक सिनेरियो, यहाँ पर यह कहता है स्टेटिक सिनेरियो नहीं है, ये स्थिर नहीं है, रादर डायनेमिक, डायनेमिक है, दैट इन दैट इट विल चेंज विद टाइम, यानी कि समय के अनुसार ये इसमें परिवर्तन आ सकता है। किसी भी देश की जनसंख्या जो है एक बार बढ़ती है, फिर स्थिर रहती है, फिर घटती है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो ऑप्टिमम हो सकती है लेकिन बाद में फिर वो अंडर हो सकती है, यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन आ सकती है। इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड इंक्रीज, यदि जनसंख्या का जो आकार बढ़ता है और डिक्रीज फ्रॉम द ऑप्टिमम, ऑप्टिमम से यदि जनसंख्या आकार यहाँ तो घटेगा, इधर में ये बढ़ रहा है, द आउटपुट पर कैपिटा एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल फॉल। तो इस प्रकार से क्या है, उनका पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा आउटपुट और लिविंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, यानी या तो जनसंख्या बढ़े या कम हो, तो इसमें क्या है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन विल ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, तकनीकी के प्रभाव के कारण भी क्या इसमें ये परिवर्तन आ सकता है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज, यदि वहां की जनसंख्या संक्रमण के अंदर कुछ परिवर्तन होता है तो वहां पर भी क्या है, परिवर्तन हो सकता है। एज ट्रेड अपॉर्चुनिटी डेवलप्ड फाल्टर एंड न्यू रॉ मेटेरियल आज डिस्कवर्ड टू प्लेस ओल्डर वन विच आर एग्जॉस्टेड और हुज वैल्यू चेंज ओवर द टाइम, यानी कि धीरे धीरे नई जो है तकनीकी आती रहती है, पहले वाली एग्जॉस्ट हो जाती है और नई उसकी टाइम टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से समय और स्थान के संदर्भ में जो है जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कंसेप्ट है वो चेंज हो सकता है। इस प्रकार से हम और इसमें जानने की कोशिश, तो इस प्रकार से हमारा जो कंसेप्ट जो है इसका, ये तकनीकी और इसके साथ साथ में ये चेंज होता रहता है। मेरिट ऑफ थ्योरी, अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के कुछ मेरिट्स के बारे में, कि क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरिट्स है, तो इसमें सबसे पहली जो मेरिट्स है ये है हमारी कंप्रीहेंसिव अप्रोच, मीन्स कंप्रीहेंसिव अप्रोच मीन्स कि ये जो है एक पूरी इसकी कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी करता है। तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी द क्वालिटी नेचर ऑफ द थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी के जो क्वालिटी है वो उसकी, यानी कि जो नेचर है वो क्वालिटेटिव है, यानी कि वो एक गुणात्मक है। गुणात्मक की यदि हम बात करें इसके अंदर, तो ये गुणों से रिलेटेड, यानी कि जो इसमें क्वांटिटी ज्यादा नहीं दिखाई गई है लेकिन यहाँ पर क्वालिटी की बात की गई है। प्रोग्मेटिक अप्रोच कंसर्न्ड विद द प्रैक्टिकल रिजल्ट, यानी कि इस थ्योरी का जो सबसे बड़ी जो यदि हम मेरिट की बात करें तो ये प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवाती है। प्रैग्मेटिक अप्रोच मीन्स ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज्यादा है, यानी कि यदि प्रयोगात्मक यदि हम इसका देखते हैं कंसेप्ट तो ये ज्यादा बेटर है। मोर डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि ये ज्यादा डिटेल एनालिसिस हमें देती है, विश्लेषण प्रोवाइड करवाती है। प्रोवाइड मोर डिटेल एनालिसिस एज इट कंसिडर्ड ओवर एंड अंडर पॉपुलेशन, यदि हम इसमें ओवर अंडर पॉपुलेशन को और कंसिडर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हमें कुछ मेरिट्स जो है देती है। इसके साथ साथ में बात करते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स की, डीमेरिट्स की यदि हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ हमारे पास जो कुछ इसकी डीमेरिट्स हैं, तो जैसे कि
डिफिकल्ट टू डेटरमाइन ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यहाँ पर हम बात करें कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन को डेटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, मुश्किल है। कैसे? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो टाइम और स्पेस से रिलेटेड है, और ये चेंज होता रहता है, या तो पॉपुलेशन में चेंज हो गया, तकनीकी में चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, तो इस प्रकार से इसके अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। स्टेटिक्स थ्योरी इग्नोर चेंज इन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ये ज्यादा इसको इग्नोर करिए, इसलिए स्टेटिक्स थ्योरी हम कह सकते हैं। नेगलेक्ट बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर, ये बायोलॉजिकल यानी कि जैविक, और यदि हम बात करते हैं सामाजिक जो कुछ कारक है उनको नेगलेक्ट करती है, उनको इग्नोर करती है, जो कि किसी भी समाज और सोसाइटी के साइज और उसके जो ग्रोथ की बात करें तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स का। नॉट ए रियलिस्टिक थियरी बेस्ड ओनली टू अजम्पशंस, यानी कि जो दो अजम्पशन के ऊपर आधारित है, ये जो हमने पहले डिस्कस की हुई थी। ओनली इकोनॉमिक फैक्टर कंसिडर्ड, यहाँ पर सबसे पहले ये बात है कि ये जो कंसेप्ट है, एक इकोनॉमिक आधार है, इसका जो आर्थिक आधार है, तो इसका मतलब है कि ये इकोनॉमिक जो आर्थिक जो है उसी को आधार मानकर ये थ्योरी बनाई गई है। तो बाकी जो सोशल या अदर फैक्टर्स है, पॉलिटिकल है, सोशल है, उनको जो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन आस्पेक्ट नेगलेक्ट, इस प्रकार से जो वितरण के जो आस्पेक्ट है, चाहे हम जनसंख्या की बात करें, संसाधनों की बात करें, और चीजों की बात करें, तो उनको उसमें नेगलेक्ट किया गया है। उसके बाद में जो दूसरा हमारा जो कंसेप्ट इसमें आता है वो है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन जनाधिक्य जिसको हम बोलते हैं, अधिक जनसंख्या जिसको हम बोलते हैं, सामान्यतया जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ संसाधनों का भी विकास होता रहता है। यानी कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या यानी कि संसाधनों के अंदर भी विकास होता रहता है। एक बार अनुकूलतम की जनसंख्या स्थिर आ जाने के बाद उसमें और अधिक वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि तो होती है परंतु घटती दर से। इसका मतलब क्या है कि एक बार यदि हम कहीं पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन को कंसेप्ट को या उसको अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद में यदि जो प्रोडक्शन बढ़ता भी है तो वो बढ़ता है घटती हुई दर से। यानी कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिशिंग रिटर्न, ह्रासमान प्रतिफल का नियम जिसको हम कहते हैं। यानी कि उत्पादन की जो वृद्धि है, वृद्धि दर में गिरावट आने से प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं द टर्म्स ओवर पॉपुलेशन मीन्स टू ग्रेट ए पॉपुलेशन, यानी कि अधिक जनसंख्या फॉर ए गिवन रीजन टू सपोर्ट, यानी कि किसी एक दिए गए क्षेत्र के अंदर यदि हम जनसंख्या की बात करें उनको सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पर जो है पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए जो साधन होते हैं दे आर वेरी लिमिटेड या कम। देर मे बी टू कॉजेज, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड टू द एग्जिस्टिंग रिसोर्स बेस, यानी कि वहां पर पहले से जो उपलब्ध संसाधन है उसके मुकाबले में जनसंख्या बढ़ जाए, यानी कि जनसंख्या बढ़ जाए, या एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैव बीन डिप्लेटेड, या वहां पर जो संसाधन पहले से मौजूद है वो कम हो जाए या उनको यूज कर लिया जाए। तो इन दो सिचुएशन के अंदर है जो हमारे पास ओवर पॉपुलेशन की जो सिचुएशन आ सकती है। जब किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या वहां की पोषण शक्ति से अधिक हो जाए तो जनसंख्या की जो हमारे पास जनाधिक्य की जो स्थिति है पैदा हो जाती है। अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन, यानी कि यहां पर दो चीजें हैं, एक तो निरपेक्ष और हमारे एक पास में सापेक्ष। अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, तो अब्सोल्यूट जो पॉपुलेशन क्या है, ओवर पॉपुलेशन क्या, वेयर द अब्सोल्यूट लिमिट ऑफ प्रोडक्शन, अब्सोल्यूट लिमिट ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन अटेंड बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिमेन लो। इसका मतलब क्या है कि जिसमें संसाधनों के अधिकतम उपयोग के बावजूद जो लोगों का जीवन स्तर जो है वो निम्न रहता है। यदि हम उन रिसोर्स का, उन संसाधनों का यदि हम अच्छे से यूज भी कर ले, फिर भी लोगों के जीवन स्तर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन लो, इसको हम बोलते हैं अब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन, यानी के जिसको हम बोलते हैं निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष, निरपेक्ष जो है, निरपेक्ष जो अधिक जनसंख्या की यदि बात करें। दूसरा हमारे पास में सापेक्ष, रिलेटिव जिसको हम बोलते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, वेयर
प्रेजेंट प्रोडक्शन डज नॉट सपोर्ट, यानी कि वर्तमान का जितना भी जो उत्पादन है, अब जिस दर से जो उत्पादन हो रहा है उस वो जो उत्पादन है डज नॉट सपोर्ट द पॉपुलेशन, जो जनसंख्या को नहीं सपोर्ट करता है, बट देयर प्रोडक्शन कैन बी ऑगमेंटेड, यानी कि वहां का जो उपयोग है, यानी कि उन उत्पादन का जो उपयोग है वो इतना अधिक नहीं हो सकता है। यदि हम बात करें कि उत्पादन का जो वर्तमान स्तर है जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होता है, इनसफिशियंट होता है, किंतु उसे बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्शन कैन बी ऑगमेंटेड, उनको बढ़ाया जा सकता है। तो निरपेक्ष जनाधिक्य की अपेक्षा जो सापेक्ष जनाधिक्य होता है वो अधिक व्यापक होता है। सापेक्ष जिसको हम बोलते हैं ना, जो रिलेटिव रिलेटिव जो ओवर पॉपुलेशन है उसकी जो सिचुएशन है वो लो टेक्नोलॉजी के कारण भी आ सकती है, तकनीकी कमियों के कारण भी पैदा हो सकती है। और जो जो हम संसाधनों का उपयोग करते हैं तो तकनीकी विकसित होती जाती है, लेकिन तकनीकी विकसित ना होने के कारण हमारे यहाँ पर जो रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन की स्थिति आ सकती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि लेवल ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जनाधिक्य के कितने लेवल हो सकते हैं, किस लेवल तक जो जनसंख्या के अंदर जनाधिक्य पैदा हो सकता है। तो ये दो लेवल पे हो सकता है। एक तो हमारा होता है नेशनल लेवल, नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के अंदर यदि हम बात करें तो वहां पर जनाधिक्य हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडोनेशिया के अंदर जो जावा है, और बिहार जो है इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है और पॉपुलेशन के मुकाबले में रिसोर्स कम है, तो इस प्रकार की सिचुएशन को ओवर पॉपुलेशन की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। दूसरा आता है हमारा रीजनल लेवल, इट मे बी रूरल और इंडस्ट्रियल, यहाँ पर रूरल और इंडस्ट्रियल है, यानी कि ये एक ग्रामीण भी हो सकता है, ये एक औद्योगिक प्रदेश के अंदर भी हो सकता है। तो रीजन फॉर रूरल लेवल ओवर पॉपुलेशन, यदि हम रूरल लेवल की बात करते हैं भी ग्रामीण के अंदर या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्यों जनसंख्या अधिक होती है, किस वजह से होती है, तो इसके पीछे कुछ कारण है। पहला, इसके अंदर रैपिड इंक्रीज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, अधिक बढ़ोतरी होना, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम बात करें तो वहां पर जो है कृषि के अंदर जो है जो संसाधनों का जो उपयोग है वो काफी कम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारा कि लैक ऑफ मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, लैक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, गांव के अंदर जो है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की कमी होती है, उनका कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी वहां पर गांव के अंदर जो है रूरल लेवल के ऊपर ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन आ जाती है। स्केवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड होता है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अनइवन होता है। लो एग्रीकल्चरल यील्ड, यानी कि प्रति व्यक्ति यदि हम उत्पादन की बात करें तो वो भी कम होता है। एंड लैक ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, और सामाजिक जो डेवलपमेंट की बात करें तो वो थोड़ा कम होता है, इसकी वजह से गांव के अंदर जो है वो ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन आ जाती है। रीजन फॉर इंडस्ट्रियल ओवर पॉपुलेशन की बात करें तो ये ज्यादातर जो है अर्बन एरिया की प्रॉब्लम्स होती है, इंडस्ट्रियल एरिया की प्रॉब्लम्स होती है, और क्योंकि नई नई तकनीकी की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, आजकल उद्योगों के अंदर ऑटोमेशन की सिचुएशन आ गई है, रोबोटिक आ गया, तो इसकी वजह से जो है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाता है, कई बार डिमिसिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उत्पादन की मात्रा में कई बार कमी हो जाने से की वजह से भी क्या होता है वहां पर ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन आ जाती है। लास्ट हमारा है अंडर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन यानी कि अव जनसंख्या, यानी कि कम जनसंख्या, जब किसी देश की वर्तमान जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग न किया जा सके तो उसे हम अव जनसंख्या कहते हैं, यानी कि जनसंख्या कम है, रिसोर्स ज्यादा है और उनका पूरी तरीके से उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो अंडर पॉपुलेशन एग्जिस्ट व्हेन ए पॉपुलेशन इज टू स्मॉल, जनसंख्या कम हो, देयर फॉर अनेबल टू फुली यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्स एंडोमेंट, यानी कि वहां पर जितना भी रिसोर्स पाया जाता है
उनका पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से उनका उपयोग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है वहां पर अंडर पॉपुलेशन की सिचुएशन आ जाती है, या जिसको हम और जनसंख्या कहते हैं। दिस सिचुएशन फाउंड इन द रीजन ऑफ लो टेक्निकल डेवलपमेंट। इस प्रकार की यदि हम बात करें कि अंडर जो जनसंख्या या और जनसंख्या वो कहाँ पाई जाती है, वो ऐसे एरिया के अंदर पाई जाती है जहां पर लो टेक्निकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि वहां पर जो यदि तकनीकी विकास की बात करें तो कम होता है। सच एज इक्विटोरियल कॉन्गो, आज के संदर्भ में बात करें तो कॉन्गो, अमेजन रिवर और जो रिच प्रेरी रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये कुछ ऐसे एरिया है जहां पर जो है जनसंख्या कम है, रिसोर्स ज्यादा है, और उन रिसोर्स का फुली वो यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वहां पर अंडर पॉपुलेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो अंडर पॉपुलेशन के अंदर भी हमारे यहाँ पर अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव जो अंडर पॉपुलेशन होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं अब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्ष। निरपेक्ष जनसंख्या की तुलना में सापेक्ष जनसंख्या वो अधिक व्यापक होती है, यानी कि बहुत ज्यादा होती है। तो निरपेक्ष जनसंख्या की संभावना प्राय कम ही होती है। तो रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन इज मोर कॉमन देन अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट से कहीं है मतलब कॉमन होती है ज्यादा, जो अब्सोल्यूट यानी कि जो सापेक्ष से ये यानी कि हमारी जो रिलेटिव जो अंडर पॉपुलेशन है इज मोर कॉमन देन अब्सोल्यूट, यानी कि निरपेक्ष से कहीं ज्यादा सापेक्ष कॉमन होती है। इंडीड यदि हम वास्तव में बात करें तो अब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन इज रेयरली सीन। अब्सोल्यूट जो पॉपुलेशन होती है, अंडर पॉपुलेशन होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है, और ये वही देखने को मिलती है जहां पर आइसोलेटेड सोसाइटीज पाई जाती है, यानी कि एकाकी समाज वहां पर हमें देखने को मिलता है, जो बहुत ही डीप फॉरेस्ट के अंदर कहीं रहता है, या वेयर द डिग्री ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन यूटिलिटी, यानी कि एकाकी समाज के अंदर होती है जहां पर जनसंख्या की जो पुनर्स्थापना है, रिप्लेसमेंट मतलब पुनर्स्थापना वहां पर कम होती है, यानी कि जनसंख्या का वहां पर बढ़ना बहुत कम चांसेस है, तो उसकी वजह से वहां पर रिसोर्स ज्यादा हो जाते हैं और उनको यूज करने वाला कोई नहीं होता या कम लोग होते हैं, तो अंडर पॉपुलेशन की सिचुएशन आ जाती है। रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन ड्यू टू इनसफिशियंट रिसोर्स डेवलपमेंट, जो रिलेटिव जो हमारा होता है अंडर पॉपुलेशन, वो इनसफिशियंट जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये थे हमारे जनसंख्या के अंदर रिलेटिव अब्सोल्यूट दोनों प्रकार के जो है अंडर पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे। सापेक्ष जनसंख्या तब हो सकती है जब संसाधनों का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये संसाधनों का जो विकास नहीं हो पाता है, और अब जनसंख्या विकसित और पिछड़े दोनों प्रकार के देशों में हमें देखने को मिल सकती है भी, यानी कि इट कैन बी फाउंड इन डेवलप्ड एज वेल एज लेस डेवलप्ड कंट्रीज। और ज्यादातर जो विकसित देश है वहां पर ग्रामीण जो अंडर पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और पिछड़ी अवस्थाओं के अंदर हमें वहां पर हाई मोर्टेलिटी रेट के कारण जो है इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसके ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।